بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى جس دين کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے پسند فرما دیا ہے، اس دین کو اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ اس دین کے ماننے والوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے دوسروں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجیے. وہ علم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور نبی اپنی ذمہ داری کو 100% ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت نازل کرنی پڑی کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر آپ کو زحمت میں نہیں ڈالا ہے، آپ کی ذمہ داری بس صرف اتنی ہے کہ آپ دوسروں تک بات پہنچا دیجیے. بار بار ان کے پاس جانا، ان کے پیچھے پڑنا، ان کی منت سوالت کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اتنے حساس تھے، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ دین کی دعوت اور اس کی اشاعت میں آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. ہم یہ سوچیں کہ ہم 100% مسلمان بھی رہے، ہم دین پر بھی چلتے رہیں اور ہم پر کوئی آزمائش بھی نہ آئے، کوئی ہمارا دشمن بھی نہ بنے، کوئی ہمیں پریشان بھی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر، صبر کر کے اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں جو ملے گا اس کا تو کہنا ہی کیا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب، یہ اسلامی سن کا، ہجری سن کا 7 مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا جو اس امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اسی مہینے میں اللہ کے آخری نبی، ہمارے آقا، کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج عطا فرمایا، آپ کو جاگتی حالت میں پورے ہوش و حواس میں
मक्के मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा पहुंचाया गया, बैतुल मक़द्दस पहुंचाया गया, फिर वहां से सातों आसमानों का सफर कराया गया, जन्नत जहन्नम दिखाई गई, अल्लाह ताला ने अपना दीदार अता फरमाया, नमाजों का तोहफा मिला, और आपस में क्या बातें हो रही अल्लाह उसके महबूब की, ये तो वही दोनों लगते। इस बाकिये का पसे मंजर क्या था हमारे आपके लिए, साफ तमाम मुसलमानों के लिए, और खास तौर पर मौजूदा हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। इस बाकिये में बड़ी रहनुमाई और बड़ा सबक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली और इंतहाई वफादार रमगुजार बीवी उम्मत की मां हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बुनियाद पर जब पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया और हर जगह से ईज़ा रसानी और परेशान करने का सिलसिला चल पड़ा, तो ये हजरत खदीजा की जो आपको तसल्ली दिया करती थी। अंदाजा कीजिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शरीफ इंसान, इंतहाई साफ दिल इंसान, सबकी हमदर्दी दिल में रखने वाले, किसी के लिए दिल में जरा बराबर भी कोई निगेटिविटी नहीं, सबके लिए भलाई का जज्बा, सबको जन्नत पहुंचाने का जज्बा, इंतहाई शरीफ दिल के मासूम। आपको अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये मक्के वाले जितने माबूदों की, जितने बुतों की इबादत करते हैं, इन सब का इनकार करो और एक अल्लाह का पैगाम मक्के वालों तक पहुंचाओ। आप उठ खड़े हुए, पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया। एक तरफ तो आपकी वो 40 साल जिंदगी कि अबू लहब जैसा आदमी आपका सख्त तरीन दुश्मन जो बाद में बन गया, और उस जैसे दुश्मन आपको साथी को अमीन कहे, आपने लोगों को जमा किया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो कि नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा बिल्कुल मानेंगे भाई, आप तो साथी को अमीन है, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे सच्चा कोई नहीं। आपकी जो इमेज बनी हुई थी पिछले 40 सालों में मक्के मुकर्रमा में, हर कोई आपकी इज्जत कर रहा है, आपका एहतराम कर रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपको सादिक़ को अमीन कहकर पुकार रहा है, आपसे अपने फैसले करवा रहा है, लेकिन जो ही आपने एक खुदा की दावत दी और सारे झूठे खुदाओं की खुदाई को झुठलाया, तो यही सारे लोग आपके दुश्मन बन गए, आपकी जान के दुश्मन बन गए। क्या गुजरती होगी आप पर ऐसा आदमी, और जिसकी ये इमेज बनी हो, जिसके दिल में सबकी हमदर्दी हो, और जो उन्हीं की हमदर्दी की खातिर जहन्नम से बचाने के लिए सच का और हक का पैगाम तक पहुंचा रहा हो, और वो ये देखें कि इनको जहन्नम से बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और इसी की पादाश में ये मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्या गुजरती हो। ऐसे में जब आप घर तशरीफ लाया करते थे टूटे दिल के साथ, जख्मी बदन के साथ, तो ये आपकी बीवी हजरत खदीजा थी जो आपको तसल्ली दिया करती थी, आपको हौसला दिया करती थी, आपकी हिम्मत बढ़ाया करती थी, हत्ता कि जब आप पर पहली वही नाजिल हुई है आप घबरा गए, घर तशरीफ लाए कि मुझे अपनी जान का खतरा है, आज मेरे साथ अजीब वाकया पेश आया। हजरत खदीजा ने उस वक्त भी आपको तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके अंदर ये खसूसियात हैं, अल्लाह ताला आपको जाहिर नहीं करेंगे,
आपकी ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। आप अंदर से गमगीन हैं, दिल टूटा हुआ है, ऐसी खिदमत गुजार बीवी दुनिया से जा रही है। चलो अभी चचा मौजूद हैं, हजरत अबू तालिब जो कि ईमान नहीं लाए थे, लेकिन दादा के इंतकाल के बाद से आपकी पूरी सरपरस्ती फरमा रहे थे। और हजरत अबू तालिब का एक अपनी शनाख्त थी, अपनी पहचान थी, अपना असर था मक्का मुकर्रमा में, सरदारों में आपका शुमार हुआ करता था। तो मक्के के कुफार जो हुजूर के दुश्मन थे वो भी हजरत अबू तालिब की रियायत करते थे, उनसे डरते थे, उनके रहते हुए खुलकर हुजूर को तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे। हुजूर का बहुत बड़ा सहारा थे हजरत अबू तालिब। उसी साल वो भी दुनिया से जा रहे हैं। एक तो इतने मोहब्बत करने वाले चचा का जाना, जो सहारा हो, जो बहुत बड़ी ढाल हो, जिनकी वजह से तकवीत मिलती हो, जिनकी वजह से हौसले मिलते हो, वो दुनिया से जा रहे हैं। और मालूम है कि अभी के इस दीवार के टूटने के बाद अब कुफ्फारे मक्का को कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो सिर्फ हुजूर को नहीं, तमाम मुसलमानों को आखिरी हद तक तकलीफ पहुंचाएंगे, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। वो चचा दुनिया से जा रहे हैं, और ऐसे मोहब्बत करने वाले चचा बगैर ईमान के जा रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, वो नबी जो सारी दुनिया को हक का पैगाम लेकर आया हो, जो हर शख्स के लिए रात रात पर आंसू बहाता हो, उम्मत के एक फर्द के लिए, उसके ईमान के लिए, उसकी नजात के लिए, उसको जहन्नम से बचाने के लिए, उसका ऐसा मोहब्बत करने वाला चचा जो उसकी ढाल हो, उसका सहारा हो, वो दुनिया से जा रहा है और बगैर ईमान के जा रहा है। कैसी तकलीफ होगी आपको, कैसा दिल टूटा होगा आपका। एक ही साल में ये दोनों शख्सियतें दुनिया से चली गई। आप पर इन दोनों के जाने का इतना असर था कि आपने इस साल को आमुल हुज्न फरमाया, यानी गम का साल। इस साल को आपने फरमाया ये गम का साल। अभी दिल टूटा हुआ है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो है ना। बीवी चली गई, चचा चले गए, लेकिन काम तो मुझे करना है, अल्लाह का पैगाम तो एक एक बंदे तक पहुंचाना है। आपने ताइफ का सफर किया, उसी साल की बात है, इसका बैकग्राउंड समझिए। आप ताइफ का सफर करवा रहे हैं, ताइफ वाले आपके ननियाली रिश्तेदार लगते थे। ननियाल से आदमी को बड़ी उम्मीदें होती, बड़ी तवक्कुआत होती, बड़ा भरम होता है मामुओं पर, नाना पर। मक्के वालों ने चंद को छोड़कर सबने आपको झुठलाया, आपका इनकार किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको टॉर्चर किया, आपको दलील करने की कोशिश की, आपके साथियों को परेशान किया। आपने सोचा चलो ताइफ वालों के पास चलते हैं, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। आप एक उम्मीद लेकर ताइफ पहुंचते हैं, और आपने खूब पढ़ा और सुना होगा ताइफ में क्या हुआ आपके साथ। आप अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं, और ताइफ के लड़के तसव्वुर कीजिए क्या शक्ल बनी होगी, कायनात का सरदार जिसके सत्ते में ये कायनात बनी हो, जिसके दिल में एक इंसान का दर्द हो, जो इंसानियत से बेपना मोहब्बत करता हो, जो इंसानियत को आग से जहन्नम से बचाने के लिए निकला हो। इमामुल मासूमीन, आपसे ज्यादा मासूम कोई नहीं, आपसे ज्यादा पाकीज़ा कोई नहीं। आप ताइफ पहुंच रहे हैं,
और ताइफ के लड़के आप पर पत्थर बरसा रहे हैं, आपको ताना दे रहे हैं, गालम गलौज कर रहे हैं, पागल दीवाना कह रहे हैं। आप आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे पीछे उन नौजवान लड़कों की भीड़ आप पर पत्थर बरसा रही है, कहकर लगा रही है, हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। पत्थर इतने बरसाए गए, इतने बरसाए गए कि आपके नाले ने मुबारक आपके जूते खून से भर गए, बदन जख्मों से चूर हो गया, और खाली बदन नहीं दिल भी टूट कर चूर हो गया। क्या कैफियत रही होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसा आपका दिल टूटा होगा, क्या कैफियत रही होगी आपकी, हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की तबलीग के लिए तमाम नबियों को आजमाइश में डाला गया, लेकिन जैसी आजमाइश मेरी हुई किसी नबी की नहीं हुई। दीन की दावत में आजमाइश आना है, इम्तिहान आना है। जब रसूलुल्लाह इस कदर आजमाए जा रहे हैं तो हम आप किस खेल की हुई, हम सोचे कि हम मुसलमान भी रहे, हम कलमा भी पढ़े, हम कलमे की दावत भी दूसरों तक पहुंचाएं और सारी दुनिया हमको सलाखों पर रखे, ये कानून फितरत के खिलाफ है, ये कुदरत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। तुम आजमाए जाओगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, सब्र करोगे तो फिर तुम्हें नवाजेंगे। आपकी ऐसी वफादार चहेती बीवी दुनिया से गई, आपके ऐसे चचा दुनिया से गए, फिर आपने ताइफ का सफर फरमाया जहां से आपको बड़ी उम्मीदें थी, वहां आपके साथ यह मामला किया गया, दिल अंदर से टूटा हुआ है। ऐसे में एक रात आप अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमाए, फरिश्ता आता है, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए आपको बुलावा है, अल्लाह ने आपको बुलाया है, आप पर अल्लाह इनाम और इकराम की बारिश करना चाहते हैं, आपको अल्लाह बड़ा मकाम अता करना चाहते हैं, चलिए रात का वक्त है, जन्नत से सवारी आई है बुराक नाम की, आप उस पर सवार हो जाते हैं, मस्जिद अक्सर पहुंचते हैं, वहां सारे नबी सब लगाए खड़े हुए, आपको जो लकब है इमामुल अंबिया, ये क्यों है, वैसे तो आप सबके इमाम हैं ही, लेकिन सफर मेराज में मस्जिद अक्सा के अंदर बैतुल मक्दिस के अंदर आपने सारे नबियों की इमामत फरमाई है, सबको नमाज पढ़ाया है, दो रखा है, अल्लाह ने प्रैक्टिकली भी तमाम नबियों को भी और सारी कायनात को आने वाली कयामत तक आने वाली इंसानियत को बतला दिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जिनका तस्किरा किया गया सारे सहीफों में सारी किताबों में, बार बार जिनका तस्किरा किया गया तमाम नबियों की जुबानी तमाम रसूलों की जुबानी, आज उन सबको हुजूर के पीछे खड़ा करके दुनिया वालों को बता दिया गया अब इमामत चलेगी कयामत तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, अब किसी नबी की इमामत नहीं चलेगी, सब आपके मुक्तदी हैं, आप सबके इमाम हैं। जो लोग एक बात ध्यान में आई, कुछ लोग हैं जिन्होंने हुजूर के बाद भी नबूवत का दावा किया और उनके भी मानने वाले पैदा हो गए, जबकि उम्मत का अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी है, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने यह फरमा दिया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मतलब यह कि अगर कोई नबूवत का दावा कर रहा है या कोई उसको मांग रहा है तो ऐसे आदमी से दलील भी नहीं मांगी जाएगी कि क्या दलील है कि तुम नबी हो, यह चीज तय हो गई कि अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई दलील दे भी दे, अगर कोई पुरुष भी कर दे, तब भी हम उसको नबी नहीं मानेंगे। तो एक बड़े आलिम है, वो बताने लगे कि एक कादियानी से उनका मुजाकरा हुआ, तो उसने इनसे पूछा कि नबी किसे कहते हैं,
नबी किसे कहते हैं? तो हम आप क्या कहते हैं, जिसको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा हो वो नबी है, उसकी ये सिफात है, ये खुसूसियात है। उन्होंने फरमाया नबी उसे कहते हैं जिसे सफर मेराज की रात मस्जिद अक्सा में हुजूर की इमामत के हुजूर की इमामत पे खड़ा किया गया। बात समझ रहे हैं? नबी किसे कहते हैं? जो मस्जिद अक्सा में जिसने हुजूर के पीछे दो रकात नमाज पढ़ी, जो हुजूर का मुक्तदी बना वो नबी है। अब ये जितने बात की पैदावार है ये कोई वहां थे? तो बहरहाल ये ऐसी उन्होंने ऐसी बात कही कि फिर वो लाजवाब हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको आसमानों में बुलाया। पहला आसमान वहां नबियों से मुलाकात हुई, दूसरा आसमान वहां मुलाकात हुई, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा, सातवां, सातवां आसमानों पर इसी तरह होश और हवास में पूरे शुरूर के साथ जागती हालत में आप वहां तशरीफ ले गए। तमाम आसमानों पर आपका इस्तकबाल किया गया, आपको जन्नत जहन्नम दिखाई गई। फिर एक मकाम पर हजरत जिब्राइल रुक गए कि आपा अब यहां से आप अकेले जाए। आपने फरमाया जिब्राइल तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, पूरे रास्ते पूरे सफर में तुम मेरे साथ रहे और यहां तुम मेरे साथ छोड़ रहे हो। तो जिब्राइल अमीन जो फरिश्तों के सरदार है वो कह रहे हैं आपा अब इसके आगे जाने की इजाजत मुझे भी नहीं है। अगर मैंने राय के दाने के बराबर भी यहां से कदम बढ़ाया तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा, मुझे इजाजत नहीं आगे जाने की। यह आपको मकाम दिया जा रहा है, यह आपको अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम दिया जा रहा है कि जहां कोई नहीं गया आज तक वहां आप जा रहे हैं। और आपको वो मकाम दिया जा रहा है कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, सबका फैसला हो गया, जन्नतियों को सारी नियामतें मिल गई। अब अल्लाह ताला अपनी सबसे आखिरी नियामत जन्नतियों को देंगे। क्या देंगे? अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेंगे कि कोई नियामत बची है, सब मिल गई? जन्नती कहेंगे अल्लाह मियां सब कुछ मिल गया, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो आखिर में अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएंगे। और जब जन्नती अल्लाह ताला हम सबको दीदार अता फरमाए, जब जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो सारी नियमतें भूल जाएंगे, वक्त थम सा जाएगा बिल्कुल, तक की बात से तो अल्लाह को ही देखते रहे। क्या मंजर होगा! अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टूटे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले जा रहे हैं और वो इनाम जो जन्नतियों को सबसे आखिर में दिया जाएगा वो अल्लाह उनको वहां अता फरमा रहे हैं, अपना दीदार अता फरमा रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको नमाजों का तोहफा अता फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें दी गई, आप तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हो गई। कहने अरे कहां 50, आपके उम्मत नहीं संभाल पाएगी इसे, जाइए कुछ कम कराइए, मुझे खुद तजुर्बा है। आका वापस तशरीफ ले गए, 50 से 45 हो गई। फिर हजरत मूसा भी गए, 45 भी बहुत ज्यादा है और कम कराइए। आका फिर तशरीफ ले गए, फिर 5 कम कर दी गई। एक बार में भी तो कम की जा सकती थी, क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि आखिर में 5 बचना है? लेकिन जिससे मोहब्बत होती है बार बार उससे मिलने का दिल चाहता है। आप बार बार तशरीफ ले जा रहे हैं इस टूटे दिल के साथ, इन आजमाइशों के साथ। ऐसा आदमी जो इंतहाई शरीफ हो, जिसका दिल इतना साफ हो, जिसके दिल में इंसानियत की हमदर्दी हो, जो एक एक इंसान के लिए खुलता हो, फिक्र रखता हो, उसकी बीवी जा रही है, उसके चचा जा रहे हैं, ताज को उसके साथ की मामला किया जा रहा है, आपका दिल टूटा है। फिर जब अल्लाह इस टूटे दिल के साथ आपको अपने पास बुला रहे हैं तो किस तरह इनाम और इकराम की बारिश कर रहे हैं? 5 नमाजें आखिर में बची और खाली आपको इनाम नहीं दिया गया, आपकी जो साथी जिनसे आपको मोहब्बत है, आपसे ताल्लुक है, आपके यारेगार, आपके
की दोस्त सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उनका भी घर दिखाया जा रहा है। ये देखो ये अबू बकर का घर है। आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ कोई अच्छा मामला हो तो उसको लेकर भी खुशी होती है। आका को सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक से थी। अबू बकर का घर देखे देखकर आका को और खुशी हुई। उमर का घर देखकर आका को और खुशी हुई। पांच नमाजों का तोहफा दिया गया और आका दुनिया में वापस तशरीफ लाए। इस सफर मेराज के वाकिए से ये बड़ा तफसीली वाकिया है, इसको जिक्र करना हमने मंशा नहीं थी। मकसद यह है कि अल्लाह ताला का यह कानून है कि दीन की राह में मुश्किलें आएंगी, दीन की राह में परेशानियां आएंगी, लेकिन जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो जाएगा, जब तुम बिल्कुल तुम्हारा दिल टूट जाएगा, जब तुमको लगेगा हमारा कोई आसरा नहीं है, जब तुमको लगेगा कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन रही है, जब तुम्हारे दिल बिल्कुल अंदर से टूट जाएंगे, उस हालत में भी अगर तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास होगा, तुम्हारे अंदर अपने फर्ज की अदायगी का एहसास होगा, तो फिर हम तुमको इस तरह इनाम अता करेंगे, इस तरह तुम पर इनाम इकराम की बारिश करेंगे। आज जिन हालात से ये उम्मत गुजर रही है, बिलखसूस हिंदुस्तान का मुसलमान जिन हालात से गुजर रहा है, उसे अपने हौसले मजबूत करने की जरूरत है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। खूब याद रखिए, शिकस्त यह नहीं है कि कोई हमारा घर जला दे, शिकस्त यह नहीं है कि कोई हमें जान से मार दे, शिकस्त यह नहीं है कि कोई हमारा घर गिरा दे, कोई हमारी दुकान लूट ले, कोई हमारे कारोबार को चोट पहुंचा दे। शिकस्त तब है जब हमारा हौसला टूट जाए। इस उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया हौसला है। 1450 सालों में तरह तरह के हालात आए, ऐसा लगा कि ये उम्मत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अब इसके बाद वो निशान नहीं बचेगा, लेकिन उसके बावजूद इस उम्मत ने सरवाइव किया और कयामत तक इस उम्मत को रहना है। और जिस दिन ये उम्मत नहीं रहेगी उस दिन ये जमीन और आसमान नहीं रहेंगे, उस दिन चांद सूरज सितारे नहीं रहेंगे, जिस दिन इस उम्मत का कोई एक फर्द भी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, उस दिन की जमीन नहीं रहेगी, उस दिन की दुनिया नहीं रहेगी। ये दुनिया कायम है तो इस उम्मत की वजह से कायम। इस उम्मत को बाकी रहना है और अपने हौसले के साथ बाकी रहना है, हिम्मत के साथ बाकी रहना है और इस बात को दिल में बिठा लेना है कि आजमाइशें तो बहरहाल आना ही आना है, कुर्बानियां तो हमें देना ही देना है, लेकिन जब प्यारे आका ने ऐसी अजीब कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने ऐसा इनाम अता फरमाया है। अगर हम कुर्बानी देंगे तो हम भी इनाम और इकराम के मुस्तहिक होंगे। जिस दिन ये बात हमारे दिलों में बैठ गई और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, अपने फर्ज मनसबी